हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैस एस्टिंग के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्मोक हेलमेट। तो देर ना करते हुए चलिए उद्घाटन करते हैं आज की वीडियो का। तो स्मोक हेलमेट बेसिकली एक ट्यूब ब्रीदिंग एपरेटस है जिसका यूज irrespirable एटमॉस्फेयर यानी अश्वसनीय हवा में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए किया जाता है। रेगुलेशन नंबर 138 ऑफ CMR 2017 के अनुसार जब भी भूमिगत खान में आग से निपटने का काम चल रहा हो तो कम से कम दो स्मोक हेलमेट खान में सुविधाजनक स्थानों पर होने चाहिए। बात अगर स्मोक हेलमेट के कंस्ट्रक्शन की करें तो इसमें एक मास्क टाइप हेलमेट होता है जो एयर टाइट होता है, जिसके साथ 50 मीटर लंबी मजबूत हवा ट्यूब कनेक्टेड रहती है। मास्क में आंखों के सामने आईपीस होती है और एक निकास वाल्व यानी एक्सहेलेशन वाल्व भी होता है। मास्क और हवा ट्यूब के बीच एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव बराबर रखने के लिए एक बैग होता है जो आदमी की पीठ में टंगा रहता है। हवा ट्यूब में हवा बेलो यानी धोकनी द्वारा भेजी जाती है। तो ये हो गया आपके स्मोक हेलमेट के जनरल कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो स्मोक हेलमेट पहनकर कोई आदमी इरिस्पिरेबल एटमॉस्फेयर यानी अश्वसनीय वातावरण में जाता है। स्मोक हेलमेट में लगे हवा ट्यूब का एक सिरा शुद्ध हवा में रखा जाता है। इस जगह को फ्रेश एयर बेस कहते हैं और इसी फ्रेश एयर बेस से हवा ट्यूब में हवा धोकनी द्वारा भेजी जाती है। फ्रेश एयर बेस में कम से कम 5 मीटर हवा ट्यूब रहनी चाहिए। साथ ही साथ ट्यूब के मुंह के पास एक जलता हुआ सेफ्टी लैंप रखा होना चाहिए और चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड खूनी गैस के जांच यंत्र भी होने चाहिए ताकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा और खूनी गैस की मौजूदगी पर पैनी नजर रखी जा सके। स्मोक हेलमेट पहनकर व्यक्ति करीब 45 मीटर तक अश्वसनीय वातावरण में जा सकता है और अगर अश्वसनीय वातावरण में फंसा आदमी 45 मीटर से अधिक दूरी पर है तो हवा पर्दा लगाकर फ्रेश एयर बेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया आपका सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मोक हेलमेट। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा और आपके जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग स्मोक हेलमेट वो सारे के सारे इरेडिकेट हो चुके होंगे। अगर हो चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और एक माइनिंग स्टूडेंट की ताकत दिखाएँ। और अगर आपके मन में कोई थॉट्स या डाउट्स है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप माइनिंग की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।